वहीं पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीएम कुमार रवि ने पटना के 14 जगहों को कंटेनमेंट जोन बनाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना को रोकने के लिए अपने घर के चारों तरफ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, लेकिन राजधानी के बड़े अस्पताल गर्दनीबाग अस्पताल के चारों तरफ कूड़े का अंबार लगा है। जहाँ खुद अस्पताल गंदगी के बीच हो, वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखना बेईमानी है। ये कूड़ा का अंबार पिछले महीना से जमा किया जा रहा है और ये हमारे लिए क्या आसपास सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, जिसके बारे में मैंने शीला ईरानी से बात की। उन्हें टेलीफोन से बताया कि मैडम यहाँ पर इतना कचरा जमा हो रहा है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, हम कहाँ जाएंगे, आसपास के लोग क्या करेंगे, आप यहाँ मत जमा कीजिए। तो बोली, और प्लस मैंने ये भी कहा कि लोगों को आपने अलाउ कर दिया है, वहाँ से प्लास्टिक व्लास्टिक क्या सब चुन करके लाते हैं, पूरे रोड और चारों तरफ गंदा कर रहे हैं, इसको तो कम से कम रुकवाइए फिलहाल। तो उन्होंने कहा कि वो तो उनको ऑर्डर है करने के लिए, और रहा कि बस मैडम एक वीक का समय दीजिए, इसके बाद छठ के बाद इसको हटा दिया जाएगा। इसलिए मैंने पत्राचार नहीं किया, नहीं तो अब चूँकि अब देख रही हूँ कि वो नहीं हटा रही हैं तो मैं जरूर पत्राचार भी करूंगी।